आप सबको पता है ये हॉरर फिल्म है और मेरा जो किरदार है फिल्म में वो एक मिस्टीरियस गर्ल का किरदार है जो शी हैज़ सम सीक्रेट्स अबाउट विद्युत लाइफ. विद्युत इज़ बीइंग प्लेड बाय कुणाल रॉय कपूर. सो उनके पास सीक्रेट्स को लेकर आती है उनके लाइफ में और वो जब सीक्रेट्स को डिस्कवर करते हैं हाउ ही डिस्कवर्स द सीक्रेट एंड हाउ हिज होल वर्ल्ड चेंजेस बिकॉज ऑफ दैट. द फिल्म इज़ अबाउट दैट. इट्स रिवॉल्विंग अराउंड दैट. एंड जो मैं लड़की का जो किरदार में प्ले कर रही हूँ उनका नाम है टिया. पहले तो मुझे पता नहीं था दिस इज़ हॉरर फिल्म. दिस इज़ बेसिकली अ सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म. ये फिल्म ऐसी है एक इंसान कैसा फील करता है ड्रग्स लेने के बाद, जो कैसा हेलुसिनेट करता है. इट्स अबाउट हाउ एंटर्स अ डिफरेंट वर्ल्ड आफ्टर टेकिंग ड्रग्स. सो दिस इज़ अ सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म. इट्स नॉट लाइक आउट एंड आउट हॉरर फिल्म लाइक हाउ यू सी हॉन्टेड एंड स्टफ लाइक दैट. सो मुझे नहीं बोला गया था एक हॉरर फिल्म में. मुझे तो प्रोसेस के दौरान पता चला बट आई वॉज टोल्ड इट्स अ सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म. और कुणाल तो बहुत आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म इज़ वर्किंग विद कुणाल रॉय कपूर. बहुत मजाक करते हैं सेट पर तो इट्स लाइक बहुत मज़ा आता है. काम नहीं लगता. मैं बहुत डरपोक किस्म की इंसान हूँ. बहुत कम हॉरर फिल्में देखती हूँ. जब अकेले रहती हूँ तो मैं सोचती भी नहीं हूँ हॉरर फिल्मों के बारे में. जब अकेले रहती हूँ तो फैमिली के साथ हूँ तो कभी कभी देख लेती हूँ. लेकिन पूरी फिल्म में मैंने कभी भी कोई भी हॉरर फिल्म पूरी तरीके से देखी नहीं है बिकॉज एज आई टोल्ड यू मुझे बहुत डर लगता है. लेकिन मुझे पता है इट्स जस्ट अ सेट. जब आप शूट करते हो तो सब सेट होता है और सब मेडअप होता है. तो उसमें तो कुछ नर्वसनेस नहीं था, कुछ डरने वाली बात नहीं थी. बट गिवन इफ समबडी टेल्स मी टू वॉच अ हॉरर फिल्म आई विल नॉट watch it. Like I will see it with like group of people. So aap bhi apne group of friends ke saath ja ke dekho, akele mat dekho. Yeah. Any horror movie you have seen, which you have seen, you like it? Yeah. I saw this film. मैं बहुत हॉरर फिल्मों के मामले में बहुत पुरानी जो फिल्में बनती थी 80s में, राम से ब्रदर्स की जो रात आती थी और भी काफ़ी कुछ खूनी पानी या I don't know, something like that. You know, you remember all these films were being made. Bangla, Khuni Bangla, something. So while growing up, I used to watch such kind of films. But अभी तो horror फिल्मों में content ही बदल गया है उनका. Horror कम होता है, कुछ और ज़्यादा होता है. So I don't prefer watching those films. Yeah. Yeah. मैंने ये नहीं बोला कि ठीक है बाद में पता चला. बट दिस इज़ अ हॉरर फिल्म बट इट्स अ डिफरेंट हॉरर फिल्म. इसमें सुपर नेचुरल एक ट्विस्ट है. सो इट्स नॉट लाइक जैसे राज है वैसा पूरा फुल हॉरर नहीं है. यू वॉन्ट सी भूत, सब जगह भूत नहीं दिखेंगे यहाँ पर. सो इट्स अ डिफरेंट, इट हैज़ अ डिफरेंट ट्विस्ट. या मैं म्यूज़िकल करना पसंद करूँगी, म्यूज़िकल फिल्में, बिकॉज़ मुझे डांस काफ़ी पसंद है. गाना नहीं गा सकती लेकिन आई हैव लर्नड क्लासिकल एंड बैले एंड बैलेट, जितने भी 3-4 फॉर्म्स ऑफ डांसिंग लाइक बॉलीवुड डांस एंड स्टफ लाइक दैट. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर माई सेल्फ इन सम म्यूज़िकल फिल्म. आमिर खान बहुत पसंद है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हर बार वो ग्लैमरस लगे. यू नो ही कैन ऑल्सो प्ले फादर्स कैरेक्टर, ही कैन ऑल्सो प्ले एन एलियन, ही कैन ऑल्सो प्ले जोकर एंड स्टिल यू नो डू इट लाइक ही स्टिल डज इट लाइक 100% गिव्स हिज 100% टू द फिल्म. ही डजंट वांट टू बी लाइक हीरो ऑल द टाइम यू नो एविएटर लगा के. सो आई थिंक आमिर खान आई रियली लाइक. वेल ड्रेस अप तो दीपिका पाडुकोन आई वुड से. Thank you so much. Thank you. I'm playing Aisha, who the lead character meets, and she helps him realize some things about himself. So it's a very mysterious character. How's the overall experience to working with the star cast, like Kunal,
Yeah, well, I mean, all of my scenes were with Kunal, so it was really nice. I was very surprised. I mean, I've seen his work in Delhi Belly, and I really liked it. And just, I mean, his physical transformation is alone, I mean, very commendable, very interesting. But he, as a human being, he's very polite, very kind, very professional. So I was quite impressed and happy to meet him. Me personally, no, I get so scared. But the interesting part about this is not like this horror film that you get scared. It's more psychological, more intelligent, and more supernatural than pure horror. So I think it's a mix of, you know, like a thriller, suspense, horror, everything. Any horror, weird incident that's happened with you? Horror that happened to me? No, I guess I've had mostly good experiences in life, so no horror yet. But yeah, somebody showed me a video where a drawer was opening by itself. So, but I don't know, you know, videos, everything can be edited. Any horror movie you like? I don't really see horror movies. Like I said, I'm too scared. I get scared. Thank you so much. Okay, thank you. मुझे मौका मिला हॉरर करने के. क्या है कि ध्वनिल जो डायरेक्टर हैं, उनका जो विजन था कि एक कॉमिक एक्टर को लेके एक थ्रिलर हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म बनाने की जब मैं सुना तो मैं ही चौंक गया कि भाई आप मुझे क्यों लेना चाहते हैं. पर उसकी आइडिया ही ऐसी थी कि मुझे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल कास्टिंग नहीं करनी है इस फिल्म में, मुझे कुछ अलग देना है ऑडियंसिस को. और एंड आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू पुल दिस ऑफ. तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मेरे लिए भी एक मौका था कि मैं कॉमेडी से निकल के कुछ और करूँ. And मैं कुछ I mean just to show that I can do other stuff apart from just comedy. और इस फिल्म में बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो स्टैंडर्ड कॉमेडी क्रचेज नहीं थे, वो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि भाई इसमें फ़नी होना है, इसमें कुछ फ़नी डाल सकते हैं. इसमें तो डेड सीरियस था सब. तो फॉर मी वॉज अ बिग चैलेंज एंड आई हर्ड दैट देर वॉज समथिंग चैलेंजिंग कमिंग अप, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बाई इट. डिफिकल्ट टू प्ले? No, it's not difficult to play. I mean, मेरे थिएटर के दिन से मैं ड्रामा करता आ रहा हूँ. I mean, वहाँ पे भी मैंने कॉमेडी भी की मगर ड्रामास भी की, ड्रामेटिक रोल सीरियस रोल्स भी किए हैं मैंने, मगर मैं फिल्मों में मैं ज़्यादातर कॉमेडी के लिए जाना जाता हूँ. तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था मगर इट वॉज़ अ चेंज फॉर मी एंड आई थिंक दैट वॉज वॉट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी कि फिल्म में मुझे कुछ और करने की मौका मिल रहा था. हाँ जी, फर्स्ट शेड्यूल में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई थी. हम लेह लद्दाख में शूट कर रहे थे और 10-12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर क्या है कि ऑक्सीजन बहुत थिन रहता है वहाँ पे, और अगर आप दो दिन वहाँ पे आप आराम नहीं करें तो आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज करने में थोड़ी वक्त लेती है. और मैं बहुत ही यानी कि होशियार निकला और मैं जॉग के लिए निकल पड़ा क्योंकि मुझे वेट लॉस भी करनी थी वहाँ पे. तो दूसरे दिन ही मैं यानी कि हल्की सी मैं जॉग करने के लिए निकल गया और उसके बाद ही मैं बहुत ही बुरी तरीके से मैं बीमार पड़ गया और मुझे ऑक्सीजन लेनी पड़ी और यानी बहुत बुरी तरह से मेरी हालत ख़राब थी. मगर फिर भी हम शूट कर रहे थे और सपोर्ट थी यानी कि सब डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर्स की. तो उस दौरान मुश्किल तो था पर शूटिंग तो मुश्किल ही रहती है ऐसी जगहों में. तो इट डिफिकल्ट टू बिकम अ मेथड एक्टर लाइक यू हैव रिड्यूस योर लॉस ऑफ वेट? नहीं, देखिए वेट लॉस को आप मेथड नहीं बोल सकते. मेथड तो तब होता है जब आप वो कैरेक्टर की ज़िंदगी आप जीने की कोशिश करें. अगर आप कारपेंटर का रोल कर रहे हैं तो आप कारपेंटर बन जाओ 6 महीने के लिए. अगर आप लॉयर का रोल करें तो आप कोर्टरूम में घुस जाओ कई महीने के लिए. तो वो मेथड होता है क्योंकि आप वो आप जीते हैं वो रोल. तो वो मेथड होता है. हम तो बस वेट लॉस तो जिम में साल भर कई लोग करते हैं, वो एक्टिंग नहीं होती है, वो मेथड नहीं होता है, वो बस वेट लॉस होता है. तो मैं यानी कि आई डोंट थिंक इट्स सम ग्रेट थिंग की वेट लॉस की है. मुझे तो मोटिवेशन मिली वेट लॉस करने के लिए कि भाई आपको ये रोल दे रहे हैं तो अगर आप करना चाहोगे तो आप वेट लूज़ कीजिए. तो मुझे तो वो मोटिवेशन मिली इसलिए मैं कर पाया. नहीं, आई थिंक कि अगर रोल के लिए ज़रूरी है तो ज़रूरी है. अगर गाइड में देवानंद साहब के अगर सिक्स पैक्स हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं. लोग उसको देखने नहीं जा रहे हैं सिक्स पैक, वो फिल्म देखने जा रहे हैं, कैरेक्टर देखने जा रहे हैं.
तो मेरे ख्याल से अगर कैरेक्टर एक बॉक्सर है, फाइटर है, या फिजिकल फिटनेस में यानी कि किसी किस्म का एथलीट है, तो फिर ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फरहान अख्तर इज़ प्लेइंग मिल्खा सिंह, तो देन ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव दैट बॉडी. मगर आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो जार होता है. यानी कि ऑडियंस भी देखते हैं, मगर इस बंदे का ये बॉडी क्यों है. यानी कि दिन में यानी कि एटलीस्ट 5 hours ही स्पेंडिंग इन द जिम, देन यू आर कैलकुलेटिंग दैट पर्सन्स डेली शेड्यूल, उस कैरेक्टर्स डेली शेड्यूल. सो आई एम सेइंग कि सिक्स पैक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टर, नॉट फॉर द एक्टर. तो आई थिंक दैट ऑर्डर वी हैव टू चेंज, कि कैरेक्टर के हिसाब से आप बॉडी बनाइए. आप बॉडी मत बनाइए और कैरेक्टर उसको फिट मत कीजिए. पर्सनली आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है? मैं बहुत डर जाता हूँ. मैंने बचपन में मैं जब देखता था तो मैं रूम से निकल के भागता था और फिर छुप छुप के देखता था, क्योंकि मुझसे सहा नहीं जाता था. और आज भी मैं ऐसा ही हूँ. मैं यानी कि थिएटर से निकल के मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगती है. क्या है कि मैं तो एक फिल्म में घुस जाता हूँ. जब मैं देख रहा हूँ तो आई कम्प्लीटली इमर्स माई सेल्फ इन दैट मूवी. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग अ हॉरर फिल्म, यू फील लाइक यू आर देयर. तो मुझे तो बहुत डर लगती है. नहीं, रियल इंसिडेंट मेरे साथ तो नहीं हुई है, पर रियल से भी पूरा मैं कहता हूँ कि अगर आप एनाबेल या एट, या मेरे ख्याल से ये भी दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट स्केरी इन पार्ट्स एंड हैज़ स्केयर एलिमेंट्स. तो इफ़ यू इन्जॉय, अगर लोगों को वो जॉनर पसंद है तो ज़रूर ये भी पसंद करेंगे. विद्या जी इज़ कमिंग विद अ न्यू मूवी. हाँ जी, द पोस्टर इज लुकिंग वेरी चैलेंजिंग. व्हाट योर, हाउ मच यू एक्साइटेड, हाउ मच यू लुकिंग फॉरवर्ड? या आई सॉ द फर्स्ट लुक पोस्टर, व्हिच इज वेरी एक्साइटिंग. फेस छुपा हुआ है, बैग्स हैं, एंड आई थिंक दैट प्रोमो लॉन्च इज ऑल्सो इन अ डे और टू. So it's looking very exciting, it's looking like a very fresh looking movie, and it's a very interesting character that she's playing. So I'm very excited by it, and I hope audience is also excited by it and look forward to it, because I'm definitely look forward to it. Happy to become, happy that she become a board member of Sensible. I think that that it was high time that we had change at the Sensible, because I feel that it was regressive. So I hope that this is a step in the right direction, and she's taken on a responsibility which is a demanding responsibility. It's a challenging responsibility, but I think it's a commitment made with the intent of bringing change, and I think she can actively bring change in this way, and I think that's a wonderful thing that she's doing. Did they seen the trailer? They have. Aur bahut pasand thi unhone. Yani ki firstly to see me in such a new avatar. Yeah. And secondly, the genre of the film, the look of the film, it's a very different looking horror film. Sab din mein hai, so it's a very interesting thing, and they really, really enjoyed it. Wish you all the best for the movie. Thank you so much. Thank you.